हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय समय पे लोग हमें कहते रहते हैं कि सर आप फ्रेश केस के तो वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसे पेशेंट से भी हमें मिलवाते रहिए जिनको कि 6 महीने और 1 साल हो गया है, तो उसके बाद कैसी रिकवरी आती है, क्या क्या आप कर पाते हो, क्या क्या नहीं कर पाते हो, जो है रिहेबिलिटेशन है वो कैसी रहती है। तो आज हमारे साथ एक खुशनसीबी है कि एक ऐसे फाइटर हमारे पास आए जिनकी सर्जरी मैंने आज से 12-13 महीने पहले की थी। तो आइए जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा इनको हमारा सपोर्ट रहा, अब ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या चैलेंजेस ये आप फील कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर मेरा सुमित कुमार यादव। सुमित, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं प्रॉपर हरियाणा से रहने वाला हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आपको जो ACL लिगामेंट की चोट थी वो कैसे लग गई थी, कब लगी थी ये चोट आपको? सर मेरे को ये चोट तकरीबन 3 साल पहले वॉलीबॉल खेलते हुए लगी, बट मैं काफ़ी डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मेरे बोला नॉर्मल चोट, एक्सरे करा पर उसमें कोई पकड़ में नहीं आई चोट। और काफ़ी डॉक्टर ने तो ये भी कहा कभी कभी MRI रिपोर्ट भी गलत आ जाती है। फिर मेरे को कहीं से पता चला डॉक्टर के पास, आपके पास रेफ़र हुआ। उसके बाद आपके पास आते आपने मुझे बिना देखे रिपोर्ट के पैर को देखते आपने मुझे बता दिया और आपके द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया था। आपका जो ACL का जो ऑपरेशन था वो लगभग 1 साल पहले हुआ था, उस दौरान आपने कड़ी रिहेबिलिटेशन करी है। आपको इस दौरान हमारा सपोर्ट कैसा लगा, मतलब आपको सारी एडवाइस मिलती रही थी टाइम टाइम पे? ये सर टाइम टू टाइम ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे के अंदर सर मुझे रिप्लाई मिल ही जाता था। अभी आपको ऑपरेशन के बाद 1 साल हो गया, जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था तब आप क्या दिक्कत फील कर रहे थे? ACL की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? सर मुझे रनिंग करने में, स्टेयर्स चढ़ने के अंदर और जंप के अंदर और स्प्रिंट लगाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, पैर पूरा झटका लेता था। आप रनिंग नहीं कर पाते थे? अच्छा, अभी आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आप किस स्पीड से रनिंग कर लेते हो, कितनी आपकी स्पीड निकल रही है इस वक्त? सर मैं अभी काफ़ी स्पीड से रनिंग कर रहा हूँ, स्प्रिंट भी लगा रहा हूँ, 1600-1600 मीटर तैयारी भी कर रहा हूँ। और आपने लॉन्ग जंप हाई जंप करने की कोशिश करी? लॉन्ग जंप भी कर रहा हूँ और प्रॉपर सर आपकी जो रिहैब की एक्सरसाइज थी उसमें भी लॉन्ग जंप्स थी, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा पैर हुआ है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आपका जो पैर है वो कम्प्लीटली रिकवर हो गया है? हाँ सर। आप जो भी आपका जो एक्सपीरियंस रहा ACL की जो जर्नी रही आप उससे सेटिस्फाइड है? अगर और लोग महेंद्रगढ़ हरियाणा के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रिकमेंड करोगे कि यहाँ पे आके ACL करवा सकते हैं? जी सर ज़रूर, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ सर इससे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग क्या शुरू के 2-3 महीने में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने भी देखा था शुरू के 2-3 महीने में हमने को लगता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि शुरू में जो रिहैब पीरियड है बड़ा स्लो चलता है, तो आपका एक्सपीरियंस शुरू में कैसा रहा था? सर मेरा एक्सपीरियंस सर उस टाइम बहुत बुरा था, मैं खुद चिंता में आ चुका था, पर सर आपके कंटिन्यूटी, आपके मैसेज की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा और सर उसकी वजह से मेरे कोई दिक्कत परेशानी माइंड में कोई भी बुरी चीज़ नहीं आई थी सर। दोस्तों, ACL की जो इंजरी है उसमें क्या होता है कि शुरू के 2-3 महीने, क्योंकि हम नी ब्रेस लगाते हैं और फिर जॉगिंग वॉगिंग स्टार्ट करने में 3-3.5 महीने लगते हैं, तो काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि मेरी तो कोई रिकवरी नहीं हो रही, क्योंकि मसल्स की रिकवरी में टाइम लगता है, हर आदमी की बॉडी में कुछ ना कुछ टाइम कम या ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार 5-6 महीने में जब फुल रिकवरी स्टार्ट होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है और फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हो। आज सुमित आराम से 1.5 घंटा रनिंग कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, इन्होंने अपना वेट भी काफ़ी लूज़ किया है, पहले इनका वेट काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि ये 100% फिट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सुमित। थैंक यू।